जी मेरा सवाल ये है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो जी सऊदी में रहता है, तो हम लोग किसी ऑफिस में काम करता है अच्छे। तो उसने इंडिया में शादी कर रखी है, उसको दो बच्चे भी हैं। जी तो अभी उसे किसी और से शादी करनी है, तो वो लड़की नसारा है, क्रिश्चन, जी जी ठीक है नसरानी है जी। उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, शायद उसका आदमी तलाक वाला दे चुका है, उसके भी दो बच्चे हैं। और उस शर्त ये रख रही है कि शादी तो कर लोगे पर बच्चे नहीं चाहिए मुझे। तो क्या ऐसी शादी हो सकती है? जी सर। भाई का सवाल यह है कि कोई शादीशुदा है, वो किसी नसरानी लड़की से शादी करना चाहता है, तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं सका, क्या वो नसरानी लड़की शादीशुदा है? नहीं, उसका तलाक हो चुका है, उसके दो बच्चे ऑलरेडी हैं, पर वो नसरानी अब लड़की, जी अब वो शादी के नसरानी लड़की जिसे वो शादी करना चाहता है, क्या वो जी नसरानी लड़की तलाकशुदा है? जी जी हाँ, तो देखिए, अगर वो नसरानी लड़की हकीकत में अपने दीन पर बाकी है, नसरानियत पर बाकी है, तो ये शख्स उससे शादी कर सकता है, जायज है इसके लिए। लेकिन ये इस जमाने में ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे नसरानी ऐसे होते हैं जो मुलहिद होते हैं। अगर कोई नसरानी मुलहिद है, तो जिस तरह अगर कोई मुसलमान मुलहिद हो जाए तो वो मुसलमान नहीं रह जाता है, उसी तरह अगर कोई जी नसरानी भी मुलहिद हो जाए तो वो नसरानी नहीं कहलाएगा। तो अगर हकीकत में वो अपने दीन पर बाकी है, मुल्हिद नहीं है वो लड़की, तो उससे शादी करना इस शख्स के लिए जायज है। आगे आपने क्या पूछा? उस औरत की शर्त ये है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए शादी देखिए, अगर वो औरत ये शर्त रख रही है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो ऐसी सूरत में उसका ये शर्त रखना दुरुस्त नहीं है। अब अगर वो निकाह कर लेता है उस लड़की से, तो निकाह तो सही होगा, लेकिन ये जो शर्त है, ये शर्त मुलगा मानी जाएगी, कैंसिल मानी जाएगी, इस शर्त का कोई एतबार नहीं होगा।